कहना कि ये टीम एकमात्र टीम है सफेद रंग की जोर बोराम इतना स्पीड और सीधे गोल पोस्ट में जाकर के हाय रे दैया क्या हुआ है लोहार पहले किक लिए थे एक्चुअली स्वागत है दाम गोपाल दा धन्यवाद दिनेश जी आप अपने आप में आप जो बोलते हैं आपका बड़ापन है क्योंकि आप हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा जो नीचा रहना और अपने आप को कम आंकना ये बड़ी बात है सदा सदा के लिए बड़ा बात होता है और वाकई में आपके बातों में एक जादू सा लगता है आपको करिश्मा आपको जो खुदा भगवान आपको बहुत ही अच्छा आवाज दिए है जिसको संभाल के रखने की जरूरत है आपको और इस भांति इसलिए तो आप हर मैदान में हर मंच में आपको जगह मिल रहा है ये अपने आप को बहुत बड़ी बात है। रायूब अंसारी जी मिस्टर रायूब अंसारी जी आप जहां भी हो कृपया हमारे मंच तक आने का प्रयास करेंगे मिस्टर रायूब अंसारी जी। जी हाँ आप ही को रायूब अंसारी जी। तो आइए ये सेमीफाइनल का पहला खेल हम आप देख रहे हैं तमाम दर्शनाभिलाषीगण मेला प्रेमी बाल्य वृद्ध शिशु युवा सबों का हमारे आरएफसी टीकर फुटबॉल सह मेला कमेटी की ओर से तहे दिल से आप तमाम मेला प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करती है वंदन करती है साधुवाद करती है आप सबों का। आप सभी अपना अमूल्य समय को रखते हुए हमारे इस मेला में अपना पदार्पण किया और हमारे इस मेले में मेले को चार चांद लगाए हैं तमाम मेला प्रेमियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। राकेश सिंह मुंडा जी ग्राम सीसी डाटोम के हैं आप तिरुंडी टिपरी ग्राम के मंच के पास बुला रहे हैं जल्द से जल्द आए धन्यवाद। खोया पाया वहाँ राम गोपाल दा मैं वही थोड़ा सा आपको गया गया खोया पाया में हम लोग को भी खो देगा ये लोग बिल्कुल राम गोपाल दा मेरे ख्याल से लग रहा है जब तक मैच समाप्त नहीं होगा ज्यादा अगर इमरजेंसी है तो आप आ सकते हैं लेकिन खोया पाया के अलाउंस अभी नहीं करा है मेरे ख्याल से लग रहा है 10,000 चूल्हा बना है उधर बिल्कुल उधर 10,000 चूल्हा बना है। आया गया खोया पाया अभी शाम होने में बाकी है ना अभी शाम थोड़ी हो रहा है आपका दोस्त को भुला गए तो क्या हुआ मोबाइल का दुनिया है फोन कर ले मिल जाएगा मोबाइल नहीं है तो हम लोग है आपका दोस्त कहीं नहीं जाएगा मेला छोड़ के इतना अच्छा मेला छोड़ के थोड़ी ना कहीं जाएगा कहीं कोना में बेचारे खड़े होकर के देख रहा है मेला का आनंद। धन्यवाद। तो खोया पाया इतना बोलेंगे ना बाद में अभी खेल चलने दीजिए मैच का आनंद लेने दीजिए सभी आए हैं आनंद लेने के लिए। तो चलिए दिनेश जी सेमीफाइनल का पहला मैच ये मार्शल एफसी बनाम बोराम मार्शल एफसी बनाम गुटी माडुली बोराम की ओर से आप समझ गए ना दर्शक प्रेमी कि सफेद और लाल रंग के पट्टी में सुशोभित वे सभी मार्शल एफसी के खिलाड़ी हैं और लाल काला रंग के जर्सी में सुशोभित वे सभी हैं बोराम के गुटी माडुली को बोराम के लाल काला रंग के जर्सी में बहुत ही अच्छा मैच चलेगा अंत तक रोमांच से भर देगा यह मैच। तभी से हमारे दिनेश भाई बोल रहे थे ना कि यह टीम एकमात्र टीम है सफेद रंग की जोर बोराम इतना स्पीड और सीधे गोल पोस्ट में जाकर के हाय रे दैया क्या हुआ क्या कर दिए आपने इतना सुंदर रनिंग के साथ आपने इतना जल्दी भी गोल देना अपने आप को बहुत बड़ी बात है आपका रणनीति हमेशा आगे रहने का है हमेशा आगे रहने
फेंक देंगे। इसलिए हमेशा आगे रहिए, अच्छा रणनीति है आपका, गुलाम का, जिसका बदौलत आप 1-0 का बढ़त लेते हुए अभी अभी खेल रहे हैं। मार्शल एफसी आप कम नहीं है, फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच में 4-1 का बढ़त लेते हुए विजेता घोषित हुए थे। मार्शल सफेद लाल रंग की जर्सी फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच में 4-1 से विजेता घोषित हुए थे, इसलिए आप भी कम नहीं है। हमें लगता है आपको भी अपना जुनून दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जुनून के बिना यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। सुनील लोहार 7 नंबर के खिलाड़ी फिसल कर गिर पड़े। सुनील लोहार, घनश्याम मुर्मू, इस तरह के खिलाड़ी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी समावेश है मार्शल में भी, मार्शल फुटबॉल क्लब में भी। तो इस तरह से आपने पहले दौड़ने का पहला प्रयास में आप 1-0 का सफल लिए हैं, सफल हुए हैं। चलता हुआ इस गेम में गुलाम और दोबारा आक्रमण था आपका, लेकिन ये मार्शल एफसी, ये 11 नंबर के खिलाड़ी वाकई में फर्स्ट राउंड में इतना अच्छा खेल दिखाए हैं, सेमीफाइनल में क्यों नहीं। ये 11 नंबर के खिलाड़ी आओ बाके, हिमालय को ऐसा तीर है, हिमालय को चीरते हुए आगे बढ़ जाने वाली तीर। बहुत ही अच्छा खेल है आपका, आप तीर के दिशा को मोड़ नहीं सकता है, हिमालय को भी चीर कर पार हो जाने वाले तीर जैसा खिलाड़ी है। हौसले रूपे तर्क तर्कस में अपना तीर जिंदा रख, 0-1 हुआ तो क्या हुआ, 1-1 का गोल करने का उम्मीद जिंदा रख, आपको उम्मीद जिंदा रखना पड़ेगा। 0-1 से पीछे और इसी प्रकार गोल पोस्ट में डालने का प्रयास था मार्शल एफसी का। बहुत ही सुंदर मैच चलता हुआ सेमीफाइनल का पहला मैच हमारे इस सदात हजार ऐतिहासिक फुटबॉल के मैदान में, नंबर वन खेल। और उस छात ऊपर में इतने लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, उस छात में बाउंड्री भी नहीं है, कृपया थोड़ा संभलिएगा, ऐसा ना हो कि खेल देखते देखते आपका पैर इधर का बोलेंगे। चलिए बहुत ही सुंदर, आप छात में बैठ के उठ के खड़े होकर देख रहे हैं, इधर भी हमारे पीछे तरफ भी पूरब साइड में भी, कृपया संभल के देखिएगा। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है मार्शल एफसी बनाम बोराम के बीच, देखने लायक मैच, देखते रह जाएंगे जैसा, लेकिन कहें तो क्या कहें। 1-0 का बढ़त लेते हुए लाल काला रंग के जर्सी के खिलाड़ी, ओहो गिर पड़े, निशाना चूक गया।